आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच देश भर के तेल तिलन बाजारों में मंगलवार को सोयाबीन तेल और सीपीओ पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ, जबकि मांग प्रभावित होने से सरसों और सोयाबीन तिलन के भाव में गिरावट आई। बाकी तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि देश के किसानों के हित में सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि DOC का आयात नहीं होगा। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। DOC के आयात को लेकर बने असमंजस के बीच सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। पीयूष गोयल के DOC आयात नहीं करने संबंधी बयान के बाद अगले कारोबारी सत्र में सोयाबीन दाना और लूज के भाव पर सकारात्मक असर होने की संभावना है। दूसरी ओर शिकागो एक्सचेंज में मजबूत होने से सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार आया। सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज की तेजी की वजह से CPO और पामोलिन तेल के भाव भी सुधार के साथ बंद होते नजर आए। सामान्य कारोबार के बीच मांग कमजोर होने से सरसों तेल तिलन की कीमतों में भी गिरावट देखी गई और बाकी तेल तिलनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।